नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। खेडली थाना क्षेत्र अलवर की एक 17 वर्षीय नाबालिग युवती से गैंग रेप का मामला आया सामने। तीन युवकों द्वारा कट्टे की नोक पर शराब पिलाकर किया बारी बारी से दुष्कर्म। आरोपियों द्वारा धमकी देकर युवती को बुलाया गया समूचे फाटक। समूचे फाटक पर आरोपी नरेंद्र शर्मा व उसके दो अन्य साथी मनोज सैनी व केदार सैनी ड्राइवर गाड़ी लेकर पहले से ही थे खड़े। कट्टे की नोक पर जबरदस्ती आरोपी युवती को गाड़ी में बिठाकर ले गए महुआ हाईवे की तरफ। खेरली मोड़ से तीनों आरोपियों ने शराब खरीदकर की पार्टी। युवती को भी कट्टे की नोक पर जबरदस्ती पिलाई शराब। युवती के नशे में धुत हो जाने के बाद तीनों आरोपियों नरेंद्र मनोज केदार ने बारी बारी से एक होटल में ले जाकर किया दुष्कर्म। देर रात तीनों आरोपी युवती को लेकर वापस पहुंचे खेडली। आरोपी नरेंद्र के घर ले जाकर कमरे में युवती को किया बंद। घर पर भी नरेंद्र ने युवती के साथ किया गलत काम। पीड़िता के परिजनों ने थाने पहुंच आरोपियों के खिलाफ कराया मामला दर्ज। पुलिस ने पीड़िता का करवाया मेडिकल। मामले को लेकर अनुसंधान में जुटी पुलिस। एक दिन पहले भी दी गई थी आरोपी नरेंद्र शर्मा द्वारा युवती को धमकी। आइए सुनते हैं महावीर प्रसाद थानाधिकारी खेडली ने क्या कहा पूरे मामले को लेकर। जो गैंगरेप का मामला सामने आया, संबंध में जानकारी दी। आज जो है एक पीड़िता के मां ने जो है प्रकरण दर्ज करवाया है कि उसकी बच्ची का जो है अपहरण करके जो है तीन व्यक्तियों के द्वारा उसके गलत काम किया गया है, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और श्रीमान शिव साहब कठुंगर जी अनुसंधान कर रहे हैं। क्या नाम है आरोपियों का? आरोपी तीन आरोपियों के खिलाफ है, मनोज है, मनोज सैनी, नरेंद्र शर्मा और एक केदार सैनी। किस तरह दिया था वारदात को अंजाम? जैसे कि परिवार की रिपोर्ट है उसके अनुसार तो यही है कि बच्ची का जो है यहाँ से समुच फाटक से अपहरण किया गया था और अपहरण करने के बाद में उसके साथ गलत काम किया और उसके बाद में उसको वापस छोड़ दिया। कहाँ पर किया था, कोई ऐसा पता लगा है? अभी अनुसंधान किया जा रहा है, पति से जैसे भी सामने आएगा तथ्य वैसे बताएंगे। मेडिकल करा लिया गया बच्ची का? मेडिकल हो गया। ज्ञान हाँ, अनुसंधान चल रहा है अभी, बच्ची के साथ अनुसंधान चल रहा है।